नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता भी कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, परिवहन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, लखनऊ में उपस्थित उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी बागवान, निर्यातक, कृषि वैज्ञानिक और अन्य उपस्थित भाइयों बहनों, लखनऊ आम महोत्सव में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप सभी को उत्तर प्रदेश के अंदर औद्यानिक फसलों में जो संभावनाएं हैं, हमारे किसानों और बागवानों की इस मेहनत को देखने का एक अवसर आप सबको प्राप्त होगा और आपके माध्यम से उन्हें न केवल प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया के अंदर भी उनके उत्पाद को एक स्थान प्राप्त होगा। इसलिए आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 3 दिवसीय आम महोत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगभग 1000 वैरायटी के आम का उत्पादन होता है, इस आम को जून से लेकर के अगस्त के अंत तक हमने केवल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को बल्कि देश की 140 करोड़ की आबादी समेत दुनिया के अलग अलग देशों में जो मांग है उसके अनुरूप आपूर्ति करने में सफल होंगे। इस दृष्टि से आज के इस आम महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर